इस्लाह माशरा अमनो शांति कॉन्फ्रेंस का मंच है जनाबे दिल खराबादी। मैं उस यकताई के चार मिसरे पढ़ता हूँ के कहीं सत्संग भजन कीर्तन कहीं प्रनाद कव्वाली, कहीं सत्संग भजन कीर्तन कहीं प्रनाद कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। मचल के बोले सुभान अल्लाह, कहीं सत्संग भजन कीर्तन कहीं प्रनाद कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक राज्य का हर एक सूबे का इतना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली ले तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक राज्य का अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। ये है हमारा भारत, ये है हमारी सभ्यता कि हम लोग यकताई के साथ बैठे हैं। हमारी एक आंख हिंदू है तो दूसरी आंख मुस्लिम है। अगर कोई हमारे भारत की तरफ नजर उठाने की कोशिश करेगा तो उसके छाती का मर्रा तोड़ देंगे। मचल के बोले सुभान अल्लाह, हम सच्चे भारतीय हैं और भारत के सपूत हैं। हम तो वो ब्रिगेडियर हैं कि पाकिस्तान के सात टैंक को एक झटके में तोड़ दिए हैं। हम तो वो सपूत हैं कि आज भी जिधर जाते हैं इंकलाब पैदा कर देते हैं। मचल के बोले सुभान अल्लाह, एक इशारा भी किया तो उंगलियां उड़ जाएंगी, एक इशारा भी किया तो उंगलियां उड़ जाएंगी, सब तेरे नामों नफा की तख्तियां उड़ जाएंगी। हम वफादारे वतन हैं, आसमान कर देख ले हमसे उलझेगा तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। हम वफादारे वतन हैं, आसमान कर देख ले हमसे उलझेगा तो तेरी धज्जियां उड़ जाएगी। और ये अमन शांति कॉन्फ्रेंस माशरा का मन, सीधे सीधे मैं आपको अमन शांति के संदेश करना चाहता हूँ और अमन शांति का खेवनहार जनाबे दिलनुमा दिल खैराबादी को बनाता हूँ और इश्क़े मोहब्बत रसूल में आप हजरात को कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ और इश्क़े मोहब्बत रसूल का ड्राइवर जनाबे दिलनुमा दिल खैराबादी को बनाता हूँ और उस कश्ती में बिठा कर सीधे सीधे भारत की नगरी से आपको मदीना पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और चार मिसरे जोड़ कर जनाबे दिल खैराबादी को आपके मोहब्बतों के हवाले पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। आप समझते हैं कि मोहम्मद सिर्फ हमारे हैं, मोहम्मद सिर्फ हमारे हैं। अरे मोहम्मद जितना आपके हैं उतना हिंदू भाइयों के हैं। इसलिए कि महेंद्र सिंह अश्क ने कहा, कभी कहा था कि मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की। मचल के बोले सुभान अल्लाह, ये कोई मुसलमान शायर नहीं है, हिंदू भाई कवि हैं और कहावत मशहूर है, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। के मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, सो युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। और रात भर के आंगन में रहमतें बरसती थी, अरे जिक्र था मोहम्मद का बात थी मदीने की। आइए ये मोहब्बत रसूल को अमन शांति से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और दो मिसरे पढ़कर जनाबे दिल खैराबादी का मधु करूं के मेरे सरकार ने कायम। ये ऐसा शेर है, खुदा की कसम घूंगा भी बोलने लगता है। मेरे सरकार ने कायम ये रिवायत की है, मेरे सरकार ने कायम ये रिवायत की है, जो भी नफरत से मिला उससे मोहब्बत की है। मेरे सरकार ने कायम ये रिवायत की है, जो भी नफरत से मिला उससे मोहब्बत की है। और शाहे कौनैन ने तैबा के ज़मीन पर ही नहीं अपने दुश्मन के दिलों पर भी हुकूमत की है। शाहे कौनैन ने तैबा की ज़मीन पर ही नहीं अपने दुश्मन के कलेजे पर भी हुकूमत की है। अल्लाह अल्लाह, वो क्या लोग थे कि जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। रात भी बाकी है, हर बात भी बाकी है, दिल थाम कर बैठो जाने जिगर जनाबे दिल खैराबादी अभी बाकी है। मोहतरम हज़रात, ये पूर्णिया बिहार की बरहरा कोठी कि सरजमीन पर मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ। एक बार जो बड़े हजरत हैं उनसे नहीं, जो कम उम्र के हैं जरा एक बार पूरा मजमा हाथ उठा दे। माशाल्लाह, अभी मैं कहा नहीं हूँ कि सुभान अल्लाह कहिए, मगर ऐसा लग रहा है कि रंगपुरा का पूरा असर आप में है। आइए पूरे मजमे से दरखास्त करता हूँ, एक बार अकीदत से पूरा मजमा दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी वाला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। के मुस्तफा,
अब मीडिया वाले आरके मीडिया मुशायरा हो चाहे ये एसबी मीडिया जो भारती साहब है या फरहान पावरफुल हो या दीगर ये मीडिया इनका नाम मेरे जहन में नहीं है। मेरा शेर पेश करता हूँ राजा फरमाए के मुस्तफा कह दीजिए सुभान अल्लाह के मुस्तफा से इश्क हो गया मुस्तफा से प्यार हो गया मुस्तफा से प्यार हो गया मुस्तफा से इश्क हो निजामत के हवाले से खूबसूरत सा शेर खूबसूरत सा मैं इनके हवाले मुलाहिजा फरमाएं कि आपकी रजा जिसे मिली आपकी रजा जिसे मिली फूल की तरह महक उठा आपकी रजा जिसे मिली जिससे हो गए खता वो कलील हार हो गया जिससे हो गए खता वो कलील हार हो गया वो
कली लोकार हो गया, नहीं गुनाहगार था मैं गए, मेरा बेटा पार हो गया, हो गया मेरा बेटा पार हो गया।